आज मैंने बनाए हैं गुलाब जामुन और आप देख सकते हैं कितने अच्छे और सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें डाला है 1 चम्मच घी। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट होता है तो हम इसमें डाल देंगे 2 कप दूध डालेंगे। ये हम गुलाब जामुन बिना मावे के गुलाब जामुन बनाएंगे, कोई मावा यूज में नहीं लेंगे। तो हमने 2 कप डाल दिया है दूध और अब थोड़ा सा इसको उबलने देंगे। जैसे दूध हमारा उबलेगा हम ले लेंगे 1 कप सूजी, ये देख सकते हैं आप, उसी कप से मैंने 1 कप सूजी ले ली है। और दूध में हमें डालना है, थोड़ी थोड़ी डालती जाना है और हमें एक हाथ से मिक्स करते जाना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने सूजी को डाला है धीरे धीरे और मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ। इसको रेगुलर मिक्स करते रहना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और इस तरह से जैसे जैसे आप मिक्स करोगे हमारी सूजी हो जाएगी बिल्कुल गाढ़ी। और इस तरह से देख सकते हैं आप हमारी सूजी मोटी हो, सॉरी सूजी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल डो जैसे रूप में आ जाएगी। और जैसे ही हमारी सूजी बिल्कुल डो जैसे रूप में आ जाएगी हम इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमारी सूजी हो जानी चाहिए और हमें निकाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी सूजी ठंडी होती है हम कर लेते हैं चाशनी की तैयारी। इसमें मैंने ली है 2 कप चीनी। 2 कप चीनी लेने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप पानी, मतलब 2 कप चीनी के साथ 2 कप पानी ही लिया है। और 2 कप दूध भी मैंने 2 कप लिया था और 1 कप सूजी ली थी। यह मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और मैंने थोड़ी सी 4-5 इलायचियों को कूट के डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें केसर और अब हम चाशनी को थोड़ी देर चलाएँगे। और जब तक हमारी चीनी गलती है जब तक हम इसको चलाएंगे और हमारी चाशनी को उबलने देंगे। देख सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए ही उबालेंगे और हमारी चाशनी बनके तैयार है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इतनी सी देर के लिए ही हमें चाशनी बनानी है कि चीनी गल जाए और थोड़ी देर उबाल लें। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा डो हम देख लेते हैं ठंडा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा गर्म, मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है, अभी भी थोड़ा गर्म है ये, लेकिन हाँ ये फिर भी हाथ लगा सकती हूँ मैं, इतना है। तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था, इसमें क्या है अच्छे से मिसल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और इस तरह से हम हाथ से इसको मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से मिसल लेना है कि ये एकदम चिकना डो बनके तैयार हुए हमारा। और थोड़ा सा हाथों में चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी इसमें और ले लिया है। और अब ये इस तरह से हम चारों तरफ लगाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से हम इसको मिसल लेंगे कि ये एकदम मैदा जैसा डो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से बहुत ही अच्छे से डो हमको बना लेना है कि सूजी में हमारे क्रैक्स ना पड़े, हम गुलाब जामुन बनाए तो उसमें क्रैक्स नहीं पड़े। इस तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं कि हमारा चिकना डो तैयार हो गया है और अब हम बना लेंगे इससे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ऐसे गोल करेंगे तो उसमें कोई क्रैक्स नहीं रहेगा, तो समझ लेना हमारा डो बहुत अच्छे से बना है। और अब ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इजी, बिल्कुल अच्छे से बना है, इजी तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सूजी के गुलाब जामुन बनाने में। और टेस्टी भी लगते हैं कि कुछ भी मीठा खाना हो तो आप ये गुलाब जामुन ट्राई कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं और अब मैंने तेल गर्म हो गया था और गैस को कर दी कम। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाता है, ज़्यादा हमें गर्म नहीं रखना है, नहीं डालते डालते ऊपर से सिक जाएंगे, तो नॉर्मल गर्म रखना है। और हम सारे गुलाब जामुन इसमें इस तरह से डाल देंगे, मतलब जितने आए उतने डालेंगे, भर के नहीं डालेंगे, कहीं एक दूसरे के चिपक के टूट जाए, इस तरह से नहीं रखना है। और जैसे ही थोड़े से ये सिकेंगे उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएँगे, नहीं तो ये टूटेंगे। और इस तरह से हमें अलटते पलटते सेक लेना है जिससे कि इसके जो कलर है इक्वल आए, सब पे बराबर कलर आए। तो इसको रेगुलर चलाना पड़ेगा, जिस सीखने के बाद रेगुलर चलाना है, शुरू में इसको नहीं चलाना है। और ये देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन पे कलर बहुत ही अच्छा आ गया है और अब मैं इनको निकाल लूँगी। सभी गुलाब जामुनों को निकाल लेना है। ये देखिए कि कितने परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बने हैं, इनको बनाने में कोई समस्या नहीं आती है। और अब जो दूसरे बैच था वो मैं इसमें डाल दूंगी, जब तक हमारे गुलाब जामुन ठंडे हो रहे हैं, थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तभी हम उनको चाशनी में डालेंगे। अब थोड़ी देर बाद में हम इन गुलाब जामुनों को डाल देंगे चाशनी में और थोड़ी देर हमें इसे रख रहना है जब तक हमारा दूसरा बैच सिक रहा है। और अब हमारा दूसरा बैच भी सिक के तैयार हो गया है, इनको भी मैं निकाल लूँगी।
इक्वल कलर हमारा आ जाना चाहिए, इस तरह से हमें मिक्स करना है। और ये दूसरे भी हमारे सिक्के, पहले वाले का कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा आया था। और इनको हम अच्छी तरह से डाल के थोड़ी सी चम्मच से डुबोएंगे और इसको हम थोड़ी देर से ढक के रख देंगे, थोड़ी देर ढक देंगे। और अब इनको ढकने के बाद मैं इनको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में इस तरह से। और हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, देख सकते हैं कि अच्छे तरह से बने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी हुई है आई है हमारे गुलाब जामुन बनाने में। और हम मैं इसमें चाशनी भी डाल दूँगी इस तरह से। और ये देख सकते हैं कि हम इनको 1 घंटे के लिए रख देंगे और 1 घंटे बाद में फिर से हम इसको चेक करेंगे। 1 घंटे हो गया है और हमारे गुलाब जामुन देख सकते हैं कि इनमें चाशनी बहुत ही अच्छे से चले है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं इनको निकाल दूंगी, इस तरह से निकालेंगे और निकाल के बताऊंगी कि तोड़ के भी बताऊंगी कि कितने अच्छे से बने हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन में कोई कमी नहीं है, एकदम मावा जैसे गुलाब जामुन लग रहे हैं। और जैसे भी कुछ मीठे खाने के लिए आपका मन हो तो आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।